स्पोर्ट्स प्रमोशन में जम्मू एंड कश्मीर में जेएंडके पुलिस का एक मेजर रोल है और जेएंडके पुलिस कहीं ना कहीं वो रोल जो है अपना निभाती भी है। यहाँ मैक्सिमम जो नंबर है मेल और फीमेल एथलीट्स का वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में है डिपार्टमेंटल लेवल पे। और आज एक बड़ी सरप्राइज़ हुआ मुझे, यहाँ जब गुलशन ग्राउंड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आया तो बहुत अच्छा कम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं मैन और वुमेन के लिए एक ही जगह पे है ये इस कम्प्लेक्स के बैक साइड पे, और बड़ी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे देखने को मिली। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है फीमेल एथलीट्स जो हैं उनको यहाँ पे। आओ मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह के ये टॉयलेट्स हैं। ये देखिए एक टॉयलेट, सब कुछ टूटा पड़ा है यहाँ पे, और स्मेल इतनी है कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। और ये देखिए ये चेंजिंग रूम है शायद, और इसकी हालत देखिए आप चेंजिंग रूम की, और ये बाहर देखिए कितनी गंदगी है, इतनी स्मेल है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए भी आपके लिए रुकना मुश्किल है। और मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन के स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं जो आर्मर्ड पुलिस हेडक्वार्टर्स में वहाँ बैठते हैं और उनके बहुत ही अच्छे वहाँ ऑफिसर्स हैं, अटैच बाथरूम्स हैं, कि वो इन एथलीट्स के बारे में कुछ सोचें और इनके लिए अच्छी व्यवस्था जो है करें। यहाँ पे ये इतनी इम्पोर्टेंट ये है, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में यहाँ पे एथलीट्स प्रैक्टिस के लिए आते हैं, और सेंट्रल टीम्स के जो होते हैं सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। मेरी गुजारिश है कि वो यह इसका संज्ञान लें और इसको दुरुस्त करें, इस सारे जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स।